किमनाची के आर, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो गौतम गंभीर जो वहाँ पे अब मेंटर बन के वापस गए हैं इस टीम के लिए, देखते हैं कि कौन सी अब गुड़ती जो है वो उनको खिलाते हैं जिसके कारण KKR अपने बेस्ट पे खेले। दो टाइटल जीते हैं इस टीम ने। इस टीम में हमेशा देखिए टैलेंट है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी और आज भी नहीं है, पर ऐसी कौन सी चीज़ जो है वो गौतम गंभीर सुंघाएंगे इस टीम को ताकि इस तरह ये टीम पहले से बेहतर खेले और दोबारा एक बार कप जीतने की राह पे आए। क्योंकि इस टीम में अगर काबिलियत देखें तो बहुत काबिलियत है। तो गौतम गंभीर क्या क्या चीज़ें वहाँ पे करेंगे नई और क्या क्या चीज़ें हमें नई देखनी मिलेंगी, पहले एक बार पहले टीम पर नज़र डाल लेते हैं कि टीम कैसी है KKR की। देखिए KKR की अगर फुल स्क्वाड के ऊपर नज़र डालें तो श्रेयस अय्यर जो पिछले साल अनअवेलेबल थे, इस साल आ गए हैं जी, कप्तान बन गए और कप्तानी अब कैसी करेंगे वो गौतम गंभीर उनके साथ मिलके जो प्लान है आगे का रास्ता जो है वो कैसे तय करेंगे ये कुछ ही दिनों में सामने आ जाएगा। श्रेयस अय्यर हैं, फिल सॉल्ट हैं और सॉल्ट जो है वो अपना स्वाद कैसे वहाँ वो कहते हैं ना छोड़ेंगे, वो भी एक बात देखनी है कि फिल सॉल्ट ठीक ठाक मारते हैं, बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाज है। वैसे ही एक और ताबड़तोड़ बल्लेबाज की बात करें तो रिंकू सिंह, हमारे अपने रिंकू भैया ने तो कमाल कर रखी थी पिछले साल और जिसके चलते इंडियन टीम में भी जगह मिली। मुझे लगता है कि आज की डेट में सबसे बड़ा अगर कोई फिनिशर है जो एट विल छक्का मार सकता है तो वो रिंकू सिंह है, और रिंकू सिंह इस टीम में है तो कुछ भी पॉसिबल है। और उनके साथ इंक्रिश रघुवंशी है, फिर रदरफोर्ड हैं, बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं रदरफोर्ड। मनीष पांडे की वापसी हुई है, घर वापसी हुई है, बड़े सालों के बाद यहाँ पे वापसी अब हुई है। वहाँ KS भरत हैं विकेट कीपर और गुरबाज़ हैं। गुरबाज़ को तो हमने देखा है खेलते हुए, भाई बहुत ताबड़तोड़ अंदाज है उनका। पिछला साल भी इनका मिला जुला रहा था, उतना फॉर्म लगा नहीं हुआ था, बट इस साल कैसी फॉर्म में आएंगे वो देखना है। बट इस साल फिल सॉल्ट भी हैं ऊपर, तो ये देखना कि ओपन किससे करेंगे, क्योंकि ओपन में आपके पास वेंकटेश अय्यर भी है, नितीश राणा भी ओपन कर सकते हैं। फिर आपके पास ऑलराउंडर की बात अगर करें तो एंड्रयू रसल है, अंकुल रॉय है, रमनदीप सिंह है, पंजाब से हैं, पिछली बार मुंबई इंडियंस में थे, अब वो भी वहाँ पे गए हैं पर उनको खेलने का शायद मौका ना मिले, बट एंड्रयू रसल पे नज़रें रहेंगी क्योंकि एंड्रयू रसल अभी हाल फिलहाल में जो लीग्स हुई हैं अराउंड द वर्ल्ड उसमें बहुत अच्छा खेले हैं। पिछले बार हमने देखा था कि उनका पैर बहुत ज़्यादा बाहर खुल रहा था तो शॉट मारने जा रहे थे दूर पर बॉल जा रही थी ऊपर, बट क्योंकि अब पैर कम खुल रहा है तो बॉल जा रही है दूर, तो उनकी फॉर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी रिंकू सिंह के साथ, क्योंकि जिस नंबर पर एंड्रयू रसल आते हैं रिंकू सिंह आते हैं ये मैच विनिंग पारियां खेलेंगे तो फिर वारे नहीं आ रहे हैं KKR के। बॉलर के ऊपर नज़र डालें तो वरुण चक्रवर्ती हैं, सुनील नरेन हैं, वैभव अरोड़ा हैं, चेतन सक्रिया है, हर्षित राणा ठीक ठाक तेज़ गेंदबाजी है, हर्षित राणा तो ठीक ठाक तेज़ है, सुयश शर्मा है, उनका साल भी अच्छा रहा था, और अब मिचेल स्टार्क भी ले लिए हैं 24 करोड़ रुपए में ले तो लिए, अब वो 24 करोड़ कैसे वसूलने हैं ये तो वही गौतम गंभीर एंड कंपनी जाने, क्योंकि अगर 24 विकेट भी लेके दे दें इस टीम के लिए तो बहुत बढ़िया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि मिचेल स्टार्क जो है ना अपनी रेपुटेशन पे खड़े उतरें और 4-5 मैच तो अपने दम पे जिताएं, क्योंकि इतना पैसा जब मिल जाता है तो फिर बनता है ना 4-5 मैच जिताना। तो फिर एटकिंसन है, शाकिब उल हसन है, मुजीब उर रहमान है, तो ये तो टीम है इनकी। देखिए टीम अगर ओवरऑल नज़र डाले ना तो पूरी पैक टीम है, बैटिंग सॉलिड है और गेंदबाजी स्पिन अच्छी है इनके पास, तो नरेन के साथ वैभव भी है और वरुण चक्रवर्ती भी है, फिर फास्ट बॉलिंग भी ठीक ठाक है, आपने स्टार्क को लिया है तो बैक करेंगे, हर्षित राणा 140-150 वो भी फेंकते हैं, और साथ में जो बाकी के गेंदबाज हैं चाहे शाकिब धीमी गति के गेंदबाज हैं पर प्रूवन बॉलर हैं, तो ठीक ठाक टीम है। चेतन सक्रिया फास्ट बॉलिंग अच्छी करते हैं, लेफ्ट आर्मर है, एक एडवांटेज बनता है, तो ये टीम में ना काबिलियत बहुत है। अब इस काबिलियत वाली टीम को अपनी बेस्ट क्रिकेट कैसे खेलनी है कि थोड़ा सा निडर होके, क्योंकि दबे दबे क्रिकेट नहीं खेलनी है। अब गौतम गंभीर साहब का काम वहाँ पे ये बनता है कि इस टीम को तैयार करें कि निडर होकर क्रिकेट खेलें और बिंदास खेलें, जीत हार होगी वो बाद में होगी बट जो इंटेंट है ना वो सही होना चाहिए। नितीश कप्तान थे, नितीश ने वो इंटेंट दिखाया था बतौर बैटर बतौर कप्तान दैट
दे वॉन्टेड टू प्ले फेयरलेस, बट समहाउ मुझे लगता था कि बहुत सारी चीज़ें ना ड्रेसिंग रूम से शुरू हो जाती हैं, जैसे ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा है, आप किस तरीके से एक दूसरे के साथ जेल कर रहे हो, तो वो शायद इस टीम का उतना बेटर हुआ नहीं था। इस कारण नितीश की जो कोशिश थी ना वो अकेले पड़ गए। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार श्रेयस अय्यर, नितीश, ये अकेले ना पड़े, ये जो साथ के खिलाड़ी हैं ना उनको लेके चलें आगे की तरफ बढ़े। वेंकटेश अय्यर से उम्मीद है कि वो अपने दोबारा उस रंग में दिखें जो 2 साल पहले दिखे थे, जब शुरुआत करी थी उन्होंने अपने करियर की। पिछले बार ग्लिम्प्स देखे, एक शतक आया था वानखेड़े में, ज़बरदस्त शतक था, बट उनसे बहुत उम्मीदें हैं और आई होप ही बोल फ्यू ओवर्स, क्योंकि बोलिंग उन्होंने थोड़ी सी कम करनी शुरू कर दी है, यहाँ KKR ने करवाई नहीं। तो गेंदबाजी अगर उनसे आप करवाएंगे ना तो आपको 1-2 ओवर निकाल के दे सकते हैं। तो देखिए कुल मिला के मुझे लगता है इस टीम के पास बल्लेबाजी सॉलिड, गेंदबाजी सॉलिड, स्पिन सॉलिड, तो भाई फिर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करनी है कि बिना डर क्रिकेट खेलनी है। और गौतम गंभीर जैसे इंसान हैं, जैसे बंदे हैं, मुंह पे बात करते हैं, और आई एम श्योर ट्रांसपेरेंसी जो है वो इस टीम में बहुत होगी और खुल के बातचीत होगी, और उम्मीद भी करते हैं कि खुले रिजल्ट भी आए इस टीम के, क्योंकि ये टीम किसी भी टीम को हरा सकती है, तो कोई दो राय नहीं है। तो KKR वालों के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि इनके सारे खिलाड़ी जो है ना फिट है और ऑलरेडी लग गए हैं, काम पे जुड़ गए हैं। तो गौतम गंभीर, चकदे फटे, नितीश राणा, श्रेयस एंड एवरीवन आउट देयर, खान साहब की टीम है, खान साहब बनता है इस बार तो अच्छा खेलना बनता है। तो भाई उम्मीद करते हैं ये टीम जो है वो अच्छा खेलेगी, तो फिर अगर अच्छा खेली तो सबको मिष्टी दोई मेरी तरफ से, मिलेंगे फिर कुछ और लेके।